नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए जानते हैं देश दुनिया की ताजा 25 खबरें। पुरलिया में टीएमसी सरकार पर गरजे मोदी, बोले दीदी का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, ये हार का डर है। मोदी के वार पर ममता का पलटवार, शेर नहीं हूँ सिर्फ जनता के सामने झुका सकती हूँ सिर। बंगाल में फिर हुआ बवाल, केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की रैली में हमला, भाजपा कार्यकर्ता बुरी तरह घायल। देश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, पिछले 24 घंटे में नए मरीजों की संख्या 35,000 के पार, 172 की गई जान। एमपी के 11 जिलों में घर बैठे होगी टेस्टिंग, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मोबाइल टीमें फिर तैनात होंगी। एमपी में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, संक्रमण दर 10 दिन में दोगुना। एमपी के मंडला में हुआ बड़ा हादसा, बारातियों से भरा मिनी ट्रक पलटा, 5 की मौत, 30 घायल। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 8वीं तक के स्कूल 1 अप्रैल से खुलेंगे या नहीं, आज शाम को होगा फैसला। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कृषि कानूनों पर कहा, कृषि सुधार के तीनों कानून निजी कंपनियों के हित में है, सरकार को इसे वापस लेना ही होगा। संसद में बोले नितिन गडकरी, शहरों के भीतर बने टोल गलत और अन्यायपूर्ण, 1 साल के अंदर हटाए जाएंगे। एंटेलिया केस में NIA ने सचिन वजे के घर से कई दस्तावेज जब्त किए, मुंबई पुलिस के 2 और अफसरों तक पहुंच सकती है जांच की आंच। देश में कोरोना की विस्फोटक स्थिति पर प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, मुख्यमंत्रियों से कहा कोरोना को गांव तक फैलने से रोकें। सांसद स्वरूप की मौत को पुलिस ने शुरुआती जांच में सुसाइड माना, नहीं मिला कोई नोटिस। बलरामपुर में शासकीय कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्र छात्राओं के साथ लगाए ठुमके, वीडियो वायरल हुआ तो बोले एडिट है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली उत्पाद, नक्सलियों ने फल बेचने जा रहे युवकों को पीटा, बाइक में तोड़फोड़ कर लगाई आग। ग्वालियर विमान हादसे में शहीद हुआ जालौन का लाल, आखिरी बार लॉकडाउन के पहले आए थे घर। रोहिंग्याओं को शरणार्थी का दर्जा दिलाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे प्रशांत भूषण, 25 को होगी सुनवाई। सबसे उम्रदराज महिला को लगी वैक्सीन, जालौन में 109 साल की उम्र ढलैया ने लगवाया कोरोना का टीका। अयोध्या के श्रीराम शोध पीठ में बनेगी देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, भगवान राम से जुड़े प्राचीन ग्रंथों का होगा संकलन। कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस करने के निर्देश। कंगना रनौत के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मामला, आशीष कोल ने मुंबई पुलिस से मांगा अपडेट। सुशांत की मौत के बाद रिया की पहली फिल्म आई, चेहरे के ट्रेलर में दिखा एक्ट्रेस का चेहरा। लगातार बढ़ रहा है बॉलीवुड में कोरोना, अब एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक हुए कोविड पॉजिटिव। दिल्ली में कल से शूटिंग वर्ल्ड कप, अमेरिका पाकिस्तान सहित 53 देशों के 294 शूटर होंगे शामिल। वैक्सीनेशन बढ़ने के साथ ही महंगी हुई हवाई यात्रा, घरेलू विमानों का किराया 30% तक बढ़ाया गया।